नमस्कार, बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। याकूब मेमन को मुंबई में दफनाने के स्थान पर एक विवाद छिड़ गया है। भाजपा ने दावा किया है कि कब्र पर सजावट की गई थी और इसे एक मजार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो महाराष्ट्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। वही खबर है कि शिवाजी मैदान में दशहरा रैली को लेकर शिवसेना के दोनों गुटों का आवेदन खारिज किया जा सकता है। तो उधर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी दिग्गज नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के गण में सेन लगाने की तैयारी कर रही है। खबर है कि पार्टी राज्य के 16 क्षेत्रों को मुश्किल सीटें मान रही है। इसी बीच लग्जरी कार कंपनी मर्सिडीज बेंज इंडिया उस कार का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉडल को विश्लेषण के लिए जर्मनी भेज रही है, जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने से टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की मृत्यु हो गई थी। प्रदेश की इन पांच बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। 1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन को मुंबई में दफनाने के स्थान पर एक विवाद छिड़ गया है। सत्तारूढ़ भाजपा ने दावा किया कि कब्र पर सजावट की गई थी और इसे एक मजार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा ने इसके लिए सीधे उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है। भाजपा का आरोप है कि कब्र को मजार में तब बदला गया जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। उधर मामले की जानकारी सामने आने के बाद मुंबई पुलिस हरकत में आ गई। आतंकी की कब्र के चारों ओर लगाई गई LED लाइटों को हटाकर जांच शुरू कर दी गई है। इस मामले की जांच DCP स्तर के पुलिस अधिकारी को सौंपी जाएगी। बता दें कि 2015 में याकूब मेमन को नागपुर जेल में फांसी दी गई थी और दक्षिण मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में शव को दफनाया गया था। मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में याकूब मेमन की कब्र के सौंदर्यीकरण के मामले में विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं। DCM कार्यालय के सूत्रों के अनुसार मुंबई पुलिस को इस संबंध में उचित जांच करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। एक अधिकारी ने कहा कि DCP स्तर का एक पुलिस अधिकारी इस बात की जांच करेगा कि कैसे LED लाइट और संगमरमर की टाइल्स आतंकी की कब्र को सजाने के लिए आई। महाराष्ट्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में एक चूक का मामला सामने आया है। खबर है कि गृह मंत्रालय का अधिकारी बनकर एक शख्स शाह के आसपास लंबे समय तक रहा, हालांकि पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। शाह के अलावा गिरफ्तार किए गए शख्स को राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास के पास भी देखा गया था। 32 वर्षीय की पहचान हेमंत पवार के रूप में हुई। धुले का रहने वाला यह शख्स खुद के आंध्र प्रदेश के एक सांसद का निजी सचिव बता रहा है। कथित तौर के आसपास घंटों तक घूमता रहा। पुलिस का कहना है कि पवार सुरक्षा इंतजाम देख रहे एक अधिकारी की तरह बनकर वहां पहुंचा था। जब गृह मंत्रालय के एक अधिकारी को उस पर शक हुआ तो मुंबई पुलिस को सूचना दी गई। वही पुलिस को भी पता चला कि उसका नाम सिक्योरिटी टीम की सूची में नहीं है। पवार के खिलाफ IPC की धारा 170 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसे गुड़गांव कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उसे 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। खबर है कि यह घटना सोमवार की है। मुंबई यात्रा के दौरान गृहमंत्री ने लालबाग सराजा के दर्शन के लिए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की थी। याद रहे 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में भी सेन का मामला सामने आया था। उस दौरान फिरोजपुर के प्रदर्शनकारियों की तरफ से रास्ता बंद किए जाने के चलते वह कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके थे। महाराष्ट्र में शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर राज जारी है। फिलहाल रैली के आयोजन को लेकर बृहन्मुंबई महानगर पालिका की तरफ से अब तक फैसला नहीं सुनाया गया है। अब खबर है कि शिवसेना के दोनों गुटों का आवेदन खारिज किया जा सकता है। खास बात है कि BMC पर 2 दशक से ज़्यादा समय से शिवसेना का कब्जा है, लेकिन कार्यकाल पूरा होने के चलते फिलहाल इनकी कमान राज्य प्रशासक के पास है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि दोनों पक्षों की याचिका खारिज हो सकती है। साथ ही उन्होंने बताया कि दोनों समूहों को किसी अन्य जगह पर रैली के लिए कहा जा सकता है। राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद से शिवसेना में हालात बदल गए हैं। शिंदे कैंप की असली शिवसेना होने का दावा कर रहा है। मुनगंटीवार ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव चिन्हों को फीस करने की मांग की है। मेरा मानना है कि पार्टी चिन्ह उसके सदस्यों का होता है और किसी एक की संपत्ति नहीं। अगर एकनाथ शिंदे के पास असली शिवसेना के 40 विधायकों का समर्थन है तो उनके पास चुनाव चिन्ह पर दावा करने का अधिकार है। दरअसल चुनाव चिन्ह ऐसी संपत्ति नहीं है जिस पर बाहरी लोग दावा नहीं कर सकते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता फडणवीस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि नगर निकाय दशहरा रैली के लिए सभी आधार को अवरुद्ध करा रहा है।
महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी दिग्गज नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के गढ़ में सेन लगाने की तैयारी कर रही है। खबर है कि पार्टी राज्य के 16 क्षेत्रों को मुश्किल सीटें मान रही है। इसमें पवार का क्षेत्र बारामती भी शामिल है। फिलहाल राकांपा सुप्रीमो की बेटी सुप्रिया सुले यहाँ से सांसद है। ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र की 48 में से 45 सीटों से ज्यादा जीतने पर फोकस किया है। हाल ही के कुछ समय में भाजपा और उनके सहयोगी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समूह लगातार पवार परिवार को निशाना बना रहा है। खास बात है कि भाजपा नेताओं ने इस बात की संभावनाएं जताई थी कि राकांपा विधायक रोहित पवार के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियां कार्रवाई कर सकती है। वहीं शिंदे कैंप के प्रवक्ता विपक्ष के नेता अजित पवार और सूले पर निशाना साध रहे हैं। इसके अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी पवार की ओर इशारा किया था। उन्होंने कहा था कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है और नेताओं के गढ़ भी किसी दिन खत्म हो जाते हैं। उन्होंने कहा था कि भाजपा 2024 लोकसभा चुनाव में देश में 400 से ज्यादा सीटें जीतने की तैयारी कर रही है। इसमें उन्होंने बारामती का भी जिक्र किया था। खबर है कि भाजपा नेतृत्व ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बारामती में जारी तैयारियों को देखने के लिए कहा है। इसके लिए वह क्षेत्र का दौरा करेंगी। लग्जरी कार कंपनी मर्सिडीज बेंज इंडिया उस कार का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल को विश्लेषण के लिए जर्मनी भेज रही है, जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने से टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की मृत्यु हो गई थी। कंपनी ने यह जानकारी दी। साइरस मिस्त्री की कार महाराष्ट्र के पालघर में डिवाइडर से टकरा गई थी, जिसमें बिजनेस टाइकून समेत 2 लोगों की मौत हो गई थी। अधिकारी ने नाम नहीं उजागर करने की शर्त पर बताया कि कंपनी की रिपोर्ट अगले कुछ दिनों में आने की उम्मीद है और इससे मशीनों की खराबी और चालक की गति जैसे मुद्दों को समझने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि शुक्रवार तक हमें रिपोर्ट मिल सकती है। एक्सीडेंट के समय कार की गति 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे होने संबंधी खबरों के बारे में पूछे जाने पर अधिकारी ने कहा कि केवल ECM विश्लेषण से सटीक जानकारी मिल सकेगी। बता दें, ये दुर्घटना उस वक्त हुई जब मिस्त्री की लग्जरी कार मुंबई से सटे पालघर जिले में एक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के वक्त कार में मिस्त्री और कार चालक समेत कुल 4 लोग सवार थे। कंपनी ने कहा कि हम दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना में साइरस मिस्त्री और जहांगीर पंडोले के असामयिक हुए निधन से बहुत दुखी है। इसी के साथ हम अनाहिता पंडोले और डेरियस पंडोले के ठीक होने की बात सुनकर खुश भी है। हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इसके पहले कंपनी की एक टीम ने हादसे का शिकार हुए वाहन के आंकड़े इकट्ठा किए। इनके आधार पर आगे का विश्लेषण किया जाएगा। फरीदकोट स्टेट को लेकर 30 सालों से भी लंबे समय से चली आ रही लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। ये विवाद लगभग 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के असली हकदार को लेकर था। तो बिहार में भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर के साथ ही, या यूं कहे कि उनकी नाटक मंडली के सदस्य रहे आखिरी कलाकार पद्मश्री रामचंद्र मांझी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वही हाईकोर्ट से OBC जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का नोटिफिकेशन रद्द होने के बाद योगी सरकार ने अब नया रास्ता निकाल लिया है। तो उधर सुप्रीम कोर्ट में हिजाब बैन मामले पर सुनवाई चल रही है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच दोनों पक्षों की दलीलें सुन रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं। खबर है कि इस कार्यक्रम में नेताजी के परिवार के सदस्य शामिल नहीं हो पाएंगे। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। फरीदकोट स्टेट को लेकर 30 सालों से भी लंबे समय से चली आ रही लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। ये विवाद लगभग 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के असली हकदार को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराजा हरिंदर सिंह बराड़ की 2 बेटियों अमृत कौर और दीपिंदर कौर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि जो ट्रस्ट संपत्ति के मामलों का प्रबंधन कर रहा था, वो एक जाली वसीयत के आधार पर बनाया गया था। दरअसल फरीदकोट स्टेट के एक हक के लिए जो याचिकाएं दायर की गई थी, उन्हें खारिज कर दिया गया। वही ट्रस्ट को लेकर कहा गया है कि महरावल खेवाजी ट्रस्ट 30 सितंबर तक बुकाया मामलों को निपटाने के साथ ही धर्मार्थ अस्पताल चला सकता है। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की पीठ ने कहा कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने व्यापक रूप से सबूतों की जाँच की। न्यायालयों के जरिए लिए गए सभी निष्कर्षों पर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सहमत है। बता दें कि महाराजा की मृत्यु के बाद न्यासी मंडल ने निष्पादकों की सहमति से राजा हरिंदर सिंह बराड़ की पूरी संपत्ति पर कब्जा कर नियंत्रण और प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। साथ ही साथ विभिन्न राजस्व संपदाओं में स्थित संपत्तियों को ट्रस्ट के नाम पर बदल दिया था।
बिहार में भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर के साथी या यूं कहें कि उनकी नाटक मंडली के सदस्य रहे आखिरी कलाकार पद्मश्री रामचंद्र मांझी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। रामचंद्र मांझी के निधन से सारण जिला समेत पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। सांसद राजीव प्रताप रूडी और सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय समेत तमाम हस्तियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। रामचंद्र मांझी भिखारी ठाकुर की नाच मंडली के आखिरी कलाकार थे। उन्होंने बुधवार की देर रात पटना के IGIMS में आखिरी सांस ली। रामचंद्र मांझी के आखिरी दिन बेहद मुफलिसी में गुजरे। सारण जिले के तुजारपुर के रहने वाले रामचंद्र मांझी पिछले कई दिनों से सांस की गंभीर समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन इस दौरान बिहार के किसी कलाकार ने उन पर ध्यान नहीं दिया। इस बीच सारण से ही आने वाले और RJD कोटे के मंत्री जितेंद्र राय ने पहल की और उन्हें IGIMS में भर्ती कराया। इस दौरान भी अस्पताल में बिहार का कोई कलाकार उनका हाल तक जाने नहीं आया। रामचंद्र मांझी सारण जिले के नगरा तुजारपुर के रहने वाले थे। रामचंद्र मांझी को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2017 से भी नवाजा जा चुका था। रामचंद्र मांझी 94 वर्ष के होने के बाद भी आज मंच पर जमकर थिरकते और अभिनय करते रहे हैं। उन्होंने 10 साल की उम्र में ही गुरु भिखारी ठाकुर के साथ स्टेज पर पांव रख दिया था। हाईकोर्ट से OBC जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का नोटिफिकेशन रद्द होने के बाद योगी सरकार ने अब नया रास्ता निकाल लिया है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय सिंह ने कहा है कि सरकार मानसून सत्र में ही 17 जातियों के आरक्षण का प्रस्ताव UP विधानसभा से पास करवा कर केंद्र को भेज देंगी। संसद के दोनों सदनों में मंजूरी के बाद इन जातियों को भी UP में अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र मिलने लगेंगे। डॉक्टर संजय निषाद ने बताया कि CM ने समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण के साथ मिलकर एक हफ्ते में इस प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जिन जातियों के आरक्षण का मामला चल रहा है वो सिर्फ 17 ही है, न कि 18 है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस, सपा और बसपा की सरकारें केवल समाज को गुमराह करने के लिए इन 17 जातियों निषाद, केवट, मल्ला, बिंद, कहार, कश्यप, धीमर, रैंकवार, तुरैहा, बाथम, भर, राजभर, धीमर, प्रजापति, कुम्हार, मांझी और मछुआ को पिछड़ी जातियों से निकालकर अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल करने को लेकर अधिसूचना जारी करती रही। डॉक्टर निषाद ने यह भी स्पष्ट किया कि इन 17 जातियों को पिछड़ी जातियों से निकालकर अनुसूचित जाति में शामिल नहीं करना है, बल्कि मछुआ समुदाय की 17 उपजातियों को उत्तर प्रदेश में सिर्फ परिभाषित किया जाना है। UP में अनुसूचित जाति की सूची में क्रमांक 53 पर मझवार और क्रमांक 66 पर तुरैहा जाति शामिल है। ये दोनों मछुआ समुदाय की ही जातियां हैं। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब बैन मामले पर सुनवाई चल रही है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच दोनों पक्षों की दलीलें सुन रही है। कई याचिकाओं पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट इन सभी को क्लब करके सुनवाई कर रहा है। कर्नाटक सरकार ने सरकारी स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक लगा दी गई थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में बैन को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सवाल भी विचार कर रहा है कि क्या हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग है या नहीं। वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत मुख्य याचिकाकर्ता पर पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने ऑस्ट्रिया के एक फैसले का हवाला दिया। फैसले के हवाले से कामत ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों के हेड स्कार्फ पहनने पर बैन से छात्राओं के समावेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इससे मुस्लिम लड़कियों के लिए शिक्षा और दुभर हो जाएगी। कामत ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान में किए गए प्रावधान के बारे में भी बताया। जस्टिस गुप्ता ने मौखिक टिप्पणी में मुस्लिम छात्रा के वकील देवदत्त कामत से कहा था कि आप इसे अतार्किक अंत तक नहीं ले जा सकते। कपड़े पहनने का अधिकार मौलिक है तो कपड़े उतारने का अधिकार भी मौलिक बन जाता है। इस पर कामत ने कहा कि स्कूलों में कोई कपड़े नहीं उतार रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं। खबर है कि इस कार्यक्रम में नेताजी के परिवार के सदस्य शामिल नहीं हो पाएंगे। साथ ही उनकी बेटी अनिता बोस फाफ ने सरकार की चुनी हुई तारीख पर भी सवाल उठा दिए हैं। NMDC ने कल राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी थी। इसके बाद नेताजी की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक के मार्ग को कर्तव्य पथ कहा जाएगा। नेताजी की बेटी फाफ ने जानकारी दी है कि उन्हें कार्यक्रम के लिए निमंत्रण मिला है, लेकिन इतने कम समय में जर्मनी से भारत आना मुश्किल होगा। वहीं नेताजी बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने कहा कि परिवार के कई सदस्यों की उम्र काफी ज्यादा है, ऐसे में उन्हें कार्यक्रम से पहले जानकारी दिए जाने की जरूरत है।
प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार इंडिया गेट के समीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 28 फीट ऊंची प्रतिमा इंडिया गेट के समीप एक छतरी के नीचे स्थापित की जाएगी। नेताजी की जिस भव्य प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है उसे 280 मीट्रिक टन वजन वाले विशाल ग्रेनाइट पत्थर पर उकेरा गया है। 26,000 घंटे के अथक कलात्मक प्रयासों से इस अखंड ग्रेनाइट को तराश कर 65 मीट्रिक टन वजन की इस प्रतिमा को लेकर किया गया है। इस प्रतिमा को पारंपरिक तकनीकों और आधुनिक औजारों का उपयोग करके पूरी तरह हाथों से बनाया गया है। अरुण योगीराज के नेतृत्व में मूर्तिकारों के एक दल ने यह प्रतिमा तैयार की है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महान आदमी है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत को उनसे बेहतर दोस्त नहीं मिल सकता। तो अमेरिका में ही अंधाधुंध फायरिंग का मामला सामने आया है, गोलीबारी के कारण कई लोग घायल हुए हैं। वहीं रूस ने फिर यूरोप की गैस सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी है। इसकी वजह तकनीकी दिक्कत बताई गई है। तो उधर सोमालिया में बीते 4 दशक का सबसे बड़ा सूखा पड़ा है। 4 सालों से बारिश नहीं हो रही है जिसकी वजह से पशुधन और फसलों का सफाया हो चुका है। वहां के पोषण केंद्रों में जनवरी से अब तक लगभग 730 बच्चों की मौत हो चुकी है। इसी बीच यूरोपीय देश पुर्तगाल में 19 साल की लड़की ने एक साथ 2 बच्चों को जन्म दिया है। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों ही बच्चों के पिता अलग अलग है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति रहने के दौरान हमेशा भारत के साथ अच्छे संबंध रखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी अच्छी दोस्ती है। अब भले ही डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति ना हो लेकिन उन्होंने भारत के साथ अच्छे संबंधों की वकालत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महान आदमी है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत को उनसे बेहतर दोस्त नहीं मिल सकता। इसी क्रम में उन्होंने 2024 में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने का संकेत दिया। ट्रंप ने कहा कि हर कोई चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं। आने वाले समय में मैं इस पर फैसला ले सकूंगा। ये पूछे जाने पर कि क्या उन्हें ऐसा लगता है कि अपेक्षाकृत ओबामा और वर्तमान के बाइडेन प्रशासन की जगह उनके समय में भारत से अच्छे संबंध थे, इस पर उन्होंने कहा कि आपको ये सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ट्रंप के समय से बेहतर संबंध कभी रहे होंगे। इस दौरान ट्रंप ने भारतीयों से मिलने वाले समर्थन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रिश्तों का भी जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, हम अच्छे दोस्त हैं। मुझे लगता है कि एक बेहतरीन आदमी है जो कमाल का काम कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं वो आसान काम नहीं है। बता दें कि ट्रंप के राष्ट्रपति रहने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका में हाउडी मोदी कार्यक्रम को संबोधित किया था। वही गुजरात में डोनाल्ड ट्रंप नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के लिए आए थे। अमेरिका में अंधाधुंध फायरिंग का मामला सामने आया है। शूटर ने गोलीबारी को फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम कर दिया। गोलीबारी के कारण कई लोग घायल भी हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई है, हालांकि पुलिस ने पुष्टि नहीं की है। शूटर ने एक ऑटो पार्ट की दुकान में घुसकर कई ग्राहकों को गोली मारी। दुकान में घुसने से पहले उसने लाइव स्ट्रीम में कहा था कि ये मजाक नहीं है। पुलिस ने आरोपी की पहचान इजेकिल केली के रूप में की है। घटना टेनेसी राज्य के मेम्फिस की है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, अभी उसके मकसद का पता नहीं है। पुलिस ने पूरी जानकारी साझा नहीं की है। घटना के बाद पुलिस विभाग ने 6,30,000 लोगों वाले शहर में नागरिकों को घरों के अंदर रहने की चेतावनी दी है। खतरे को देखते हुए सभी बस और ट्रांसपोर्ट सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि गोली चलाने के दौरान वो नीले रंग की इन्फिनिटिया कार में सवार था। बाद में उसने कार को बदल दिया और वो एक ग्रे रंग की टोयोटा कार में बैठ गया। मेम्फिस यूनिवर्सिटी ने सभी छात्रों को शूटिंग का मैसेज जारी किया। यूनिवर्सिटी ने छात्रों को परिसर से बाहर न आने की सलाह दी। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में मेम्फिस में कई गोलीबारी की घटनाएं देखने को मिली है। रूस ने फिर यूरोप की गैस सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी है। इसकी वजह तकनीकी दिक्कत बताई गई है। रूस ने सफाई में कहा है कि परेशानी दूर करने वाले नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा है। यूरोप वर्षों से कारखाने चलाने, बिजली पैदा करने और घरों को गर्म रखने के लिए रूस पर निर्भर रहा है। रूस के गैस के सप्लाई बंद करने के बाद यूरोपीय महाद्वीप के लिए बेहद कठिन स्थिति आन पड़ी है। जब से रूस से यूक्रेन पर युद्ध थोपा है और पश्चिमी देशों ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं, तभी से रूस इस गैस को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। रूस चाहता है कि पश्चिमी देश मॉस्को पर लगाए प्रतिबंधों को बिना शर्त हटाए, जबकि यूरोप और अमेरिका समेत कुछ अन्य देश ऐसा करने से इनकार कर रहे हैं।
यूरोपीय अधिकारियों का कहना है कि ये ऊर्जा ब्लैकमेल है जिसका उद्देश्य यूरोपीय संघ पर दबाव बनाना और उन्हें तोड़ना है। यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने से पहले रूस ने पिछली गर्मियों की शुरुआत में ही गैस में कटौती शुरू कर दी थी। इससे गैस की कीमतें तेजी से बढ़ी। कटौती ने प्राकृतिक गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की है जिसने पिछले कुछ हफ्तों में रिकॉर्ड उछाल मारा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यूरोप को इस सर्दी में शून्य रूसी गैस के लिए तैयार रहने की जरूरत है। यूरोपीय गैस आपूर्ति पर और प्रतिबंध के बाद ऊर्जा संकट बढ़ने की आशंका है। अर्थव्यवस्था को और भी भारी झटका लग सकता है। सोमालिया में बीते चार दशक का सबसे बड़ा सूखा पड़ा है। चार सालों से बारिश नहीं हो रही है जिसकी वजह से पशुधन और फसलों का सफाया हो चुका है। सोमालिया के पोषण केंद्रों में जनवरी से अब तक लगभग 730 बच्चों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि देश में अकाल के साथ वास्तविक आंकड़ा बहुत अधिक हो सकता है। एक अधिकारी ने बताया कि सोमालिया में लोग अपने बच्चों को कंधे पर बिठाकर मीलों की दूरी तय कर रहे हैं ताकि सूखे और खूंखार आतंकवादी संगठन अल शबाब की नज़र से बच सके। हालांकि सफर के दौरान कुछ बच्चों के मरने की भी खबरें आ रही है। बता दें कि सोमालिया पिछले 5 सालों से सूखे के दौर से गुजर रहा है। यहां बारिश की भारी कमी है। इससे पहले साल 2011 में यहां आए अकाल ने बड़ी संख्या में लोगों की जान ले ली थी जिसमें अधिकतर बच्चे शामिल थे। अब बताया जा रहा है कि सोमालिया के कुछ हिस्से अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक भयंकर अकाल की चपेट में होंगे क्योंकि एक तो यहाँ सूखे की एक समस्या पहले से ही है और दूसरी तरफ दुनिया भर में खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में भी काफ़ी बढ़ी है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से इस कठिन समस्या में सोमालिया के साथ खड़े होने का आग्रह किया है। एक जानकारी के मुताबिक हाल के महीनों में यहाँ कुपोषण की चपेट में आकर 210 लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोपीय देश पुर्तगाल में 19 साल की लड़की ने एक साथ दो बच्चों को जन्म दिया है। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों ही बच्चों के पिता अलग अलग हैं। मेडिकल साइंस में ऐसी घटनाएं काफ़ी दुर्लभ मानी जाती है। लड़की के घर वालों को ये पता था कि दोनों बच्चों के पिता एक ही व्यक्ति है लेकिन बच्चों के 8 महीने के होने के बाद उनके DNA टेस्ट ने पोल खोल कर रख दी। टेस्ट से पता चला कि इन बच्चों में से एक का ही DNA उनके पिता से मैच किया जबकि दूसरे का बिल्कुल अलग आया। हालांकि दोनों बच्चे देखने में बिल्कुल एक जैसे ही है। इन बच्चों की मां ने स्थानीय मीडिया से अपनी पहचान छुपाने के नाम पर कई जानकारियां शेयर की है। ये घटना गोया राज्य के छोटे शहर माइनी रोज से है। इन बच्चों की मां के खुलासे के बाद दूसरे व्यक्ति को DNA टेस्ट के लिए बुलाया। उसका टेस्ट दूसरे बच्चे से एकदम सटीक मैच हो गया। महिला ने अपने दूसरे बच्चे के पिता के बारे में कुछ नहीं बताया। असामान्य गर्भावस्था के तरीके का अध्ययन करने वाले चिकित्सकों ने बताया कि ऐसी घटना को मेडिकल साइंस की भाषा में हेटरोपैरेंटल सुपरफेकंडेशन कहा जाता है। ये पूरी दुनिया में हेटरोपैरेंटल सुपरफेकंडेशन का केवल 20वां ज्ञात मामला है। ऐसी गर्भावस्था तब होती है जब एक ही माँ के दो अंडे अलग अलग पुरुषों से निषेचित होते हैं। बच्चे माँ की जेनेटिक मटेरियल को साझा करते हैं लेकिन वे अलग अलग प्लेसेंटा से बढ़ते हैं। हालांकि ये लाखों में एक बार होता है। तो बीकेबी न्यूज के आज के इस खास पेशकश में अब बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार।